हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो टुडे वी हैव द टॉपिक सोनार व्हिच इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सो ये क्या होता है सोनार बेसिकली वर्ड क्या है क्या इक्विपमेंट है क्या चीज़ है वो समझते हैं दिस डिवाइस इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट अंडर द वॉटर इट यूज अल्ट्रासोनिक वेवस टू डू सो ठीक है सो so, अब यहाँ पे अगेन ये अल्ट्रासोनिक वेव का हमारा कह सकते हैं एप्लीकेशन ही है सोनार so, बेसिकली एक डिवाइस है जो कि हमें हेल्प आउट करती है अंडर वाटर जैसे एक शिप के नीचे जो पानी है उसकी कितनी डेप्थ है क्या डिस्टेंस है क्या डायरेक्शन है और क्या स्पीड है नीचे पूरा जाए तो डेप्थ देखने के लिए या नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या डिस्टेंस डायरेक्शन और स्पीड है उसको जज करता है और ये कैसे क्या यूज करता है दे यूज अल्ट्रासोनिक तो so, किस तरीके से वर्क करता है वो देख लेते हैं ट्रांसमीटर इज द प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इन वाटर सो अब ये जो हमारा ट्रांसमीटर है यहाँ पे मान लो सोनार लगा हुआ है यहाँ पे अब जो इसका ट्रांसमीटर का काम है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजता है सो so, कलर दूसरा ले लेते हैं अल्ट्रासोनिक अल्ट्रा तो जाके या किसी ऑब्जेक्ट पे जाके जब टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी और ये जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो कौन उस चीज को डिटेक्ट करेगा यहाँ पे जो डिटेक्टर लगा हुआ है या रिसीवर लगा हुआ है ठीक है आगे बढ़ लेते हैं इसको रब करती हूँ मैं ट बाय ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक टू द डिटेक्टर जैसे मैंने भी आपको बताया जब ये ट्रांसमीटर हमारा यहाँ से ये अल्ट्रासोनिक वेव को भेजता है जैसे ही वो नीचे हिट करती है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है द डिटेक्टर देन कन्वर्ट दी साउंड वेव इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर देन इंटरप्रेटेड तो अब इसको वो अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है एंड देन इसको इंटरप्रिटेट किया जाता है जो भी उनको देखना है कितना डिस्टेंस है क्या स्पीड है वो भी सब कैसे देखते हैं वो भी पता चल जाता है भाई पहली चीज़ तो, कितने पे जाके हिट किया। तो वहां से डिस्टेंस पता चल गया एंड बैक हुआ तो डायरेक्शन है वो सब हम यहाँ से जज कर पाते हैं नाउ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड टाइम टेकन बाय द वे टू रीच द डिटेक्टर कैसे वहां पे निकाल रहे कैसे डिस्टेंस वगैरह निकाल रहे हैं द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वॉटर साउंड की क्या स्पीड होती है वॉटर में एंड टाइम टेकन बाय द वे टू रीच द डिटेक्टर और देखो कैसे उन्होंने डिस्टेंस निकाला यहां से हमें इनको पता है भाई स्पीड ऑफ साउंड क्या है इन वाटर मतलब जो भी ये वेव्स है उनका स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा इन वाटर वो हमें पता है एंड देन कितना टाइम लगा कब जाके वो हिट करके वापस डिटेक्टर के पास आया तो कितना टाइम लगा ये भी पता चल गया स्पीड हमें पहले से ही पता है सो so, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे स्पीड इन टाइम करके सो so, इस हेल्प इसकी हेल्प से वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं आगे बढ़ते हैं इसको क्लियर करते हैं आगे है हमारे पास यूजेस ऑफ सोनार अब इसके क्या यूज हैं ये देख लेते हैं वैसे तो सिंपल ही ही है यार समझ आ गया होगा फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ द दॉटर बॉडी सच एज सी अब कोई सी है वो कितनी डेप्थ पे है वो हमें पता चलेगा या फिर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स लाइक अगर कोई सबमरीन है हिल्स है नीचे या कोई आइसबर्ग है कोई और शिप फंसी हुई है कुछ भी चीज है सो so, वो सोनार की हेल्प से पता चल जाएगी ठीक है सो आई होप ये समझ में आ गया होगा टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोनार का नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक सो आई एम गोइंग टू टेक दिस इन दी नेक्स्ट सेशन आई सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड से